गाइस, आज फाइनली जाके मेरा ये ऑल फादर गॉड के सूट को बनाने का प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा है। अरे फ्रैंकलिन, ये तो पिछले 3 महीने से बोल रहा है लेकिन कभी होता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है यार अवेंजर्स, तुम लोग मेरा मजाक तो उड़ा रहे हो। अभी जब मेरा सूट बेटर बनेगा ना तो तुम्हें मुझे शाबाशी दोगे। पागल हो गए फ्रैंकी भैया। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, तूने हमारी बिजली खराब की, ये टाइम खराब कर दिया। कितनी बार यहाँ पर लिटरली में तेरी वजह से लोगों ने हमको पीटा। अवेंजर्स सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कहा, इसके बस की कुछ नहीं है। वाह भाई साहब, कल हुआ छोड़ दो, तेरा बस की नहीं ऑल फादर गॉड बनना। यार ऑल फादर गॉड तो मैं बन के रहूंगा, वो भी सूट के जरिए, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, समझे? ऑल राइट गाइस, तो मेरा सूट यहाँ पे तैयार हो गया है। कोई इसको पहनकर राइड लेना चाहेगा इसकी? क्या बोला, दुबाला बोलियो फ्रैंकलिन। मैं कह रहा हूँ मेरा सूट तैयार हो गया है, कोई चाहे तो राइड ले लो। अरे देखो देखो, ए फ्रिकी भैया एकदम पागल है। अरे देखो देखो, ये कैसा ऑल फादर गॉड है, अरे तो चींटी जैसा ऑल फादर गॉड है। यार इतना मजाक मत उड़ाओ, लिटरली मैं बुरा मान के चला जाऊंगा। अच्छा सुन तो फ्रैंकलिन, इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करके देखते हैं। क्या ड्यूरेबिलिटी? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी इतना ताकतवर नहीं है। तो फिर कैसा ऑल फादर गॉड का सूट है? अरे हाँ भाई साहब, कलवा पागल है। गाइस यार ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। दोस्तों आप तो मेरी बात पे यकीन करते हैं ना, मेरा सूट अच्छा है। प्लीज यार लाइक कर दो मेरे लिए और चैनल को सब्सक्राइब। हंसते रहो बेटा, जब मैं सूट को बड़ा बना लूंगा ना तब देखना। अच्छा चल ले लेता हूँ टेस्ट। नहीं भाई वो टूट जाएगा। देखो अरे बाप रे, तो सच में टूट गया। स्टॉक, मैंने तुझसे मना किया था ना, ये सूट अभी पूरी तरह से ड्यूरेबल नहीं था। तू बहुत बुरा है, मेरी 3-4 महीने की मेहनत तूने बर्बाद कर दी। अरे फ्रैंकलिन क्यों रो रहा है, मैं सूट को बेटर बना दूंगा ना। तू बहुत बुरा है, मुझे खुद से बनाना था ये सूट, तुझसे थोड़ी बनवाना था। अच्छा तो तुझे अब बताना पड़ेगा कि टोनी स्टार्क में और फ्रैंकलिन में क्या फर्क है। देख अब मैं तेरे सूट के माइंड के अंदर जा रहा हूँ, ये मेरी गन है। अरे वाह क्या बात है, माइंड तो अच्छे से हमारे फ्रैंकलिन ने बनाया है लेकिन थोड़ा सा कूड़ा का बड़ा सा लग रहा है। आइडिया क्यों ना सबसे पहले सूट को रिपेयर करके उसको बड़ा करूँ। हाँ कंट्रोल दिख रहे हैं, इसमें कुछ रेड लाइंस आ रही हैं, इनको ठीक करनी पड़ेगी। स्टार्क मेरे सूट के माइंड से बाहर निकल क्या कर रहा है? रुक तो सही फ्रैंकलिन, अभी देख क्या होने वाला है। ये दबाया मैं। हैं ये क्या, मेरे सूट को तूने इतना बड़ा कैसे कर लिया? इसी को कहते हैं फ्रैंकलिन मेरा दिमाग। अरे तू बेवकूफ है, जोर सूट तुझसे 3 महीने में नहीं बना, मैंने लिटरली में 3 सेकंड में इसको इतना बड़ा बना दिया। यार वाह टोनी स्टार्क, तू सच में जीनियस है। अब ये सूट मेरा हुआ क्या? नहीं भाई तू ऐसा नहीं कर सकता, वो सूट मेरा है। अजी मैं भी चाहता हूँ हाँ इस ऑल फैट रिकॉर्ड के सूट में। फ्रैंकी भैया मुझे भी ले लीजिए। अरे फ्रैंकलिन नहीं, मैं टोनी स्टार्क हूँ। अरे सॉरी सॉरी, हाँ गलती से बोल गया, क्यों ना फ्रैंकी भैया के साथ थोड़े मजे लिए जाए। क्या मजे का क्या मतलब है? मतलब थोड़ा बहुत टॉर्चर करते हैं इसको। अरे हाँ सही कह रहा है यार, वैसे भी ये फ्रैंकलिन बड़ा घमंडी बन रहा था ना कि ये बनाएगा सूट, अब इसी के सूट से मजे चखाते हैं। बिल्कुल सही कहा, सबसे पहले फ्रैंकी भैया को हवा में उड़ाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हवा में उड़ाने में मजा नहीं आएगा, इसको ना हम रेगिस्तान में लेके चलते हैं। एक मिनट गाइस, ये क्या हो गया, इन लोगों ने मुझे कहाँ पर भेज दिया? हेलो कोई है? हाँ फ्रैंकलिन हम तुझे देख सकते हैं। एक मिनट भाई, तुम मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हो? पहले गाड़ी लाता हूँ सामने। गाड़ी? एक मिनट, क्या मैं इसको बैठकर चला सकता हूँ? गलती से भी नहीं फ्रैंकलिन, चुपचाप दूर खड़ा रहे। अभी बहुत सारे सीमेंट के ट्रक ला देता हूँ मैं। इधर आया, 6 ट्रक नहीं 9 ट्रक ले आते हैं। हाँ 9 वाले को ये की एक्टिवेट है। ओ भाई साहब ये क्या कर रहे हो गाइस तुम लोग मेरे साथ, मुझे यहाँ पर ये खतरनाक ट्रक्स के घेरे में बंद क्यों कर दिया? चलो फ्रैंकी भैया यहाँ पे बॉम्ब फेंको। क्या मैं पागल थोड़ी हूँ? आप पागल हैं, अब हम आपकी बॉडी कंट्रोल करने वाले। क्या यार मुझे भागने दो यहाँ से, गाइस ये लोग पागल हो गए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा भागने की कोशिश कर रहे हो, ये की मैंने आपकी बॉडी कंट्रोल। एक मिनट गाइस, ये सिंजन क्या कर रहा है मेरी बॉडी के साथ? ये दबाया कंट्रोल बटन और फ्रैंकी भैया के हाथ में देते हैं बॉम्ब। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, नहीं तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ओह नो गाइस, यार ये मेरी बॉडी खुद से खुद यहाँ पर रिएक्ट कर रही है, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ फ्रैंकी भैया। अब यहाँ पर जितने भी बॉम्ब है ना आपकी बैंड बजाएंगे। अरे मजा आएगा सिंजन, बहुत मजा आएगा, बूम बड़ाम होगा एक साथ से। नहीं 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 गाइस, लिटरली में मेरी बॉडी ने खुद से खुद इन सभी बॉम्ब्स को यहाँ पे प्लांट किया है। यार तुमने ऑल फादर गॉड के साथ क्या क्या मार दिया, तुम लोग मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो, प्लीज यहाँ से जाने दो। अरे यार इसमें आग तो लगी नहीं, आग लगती तो ज्यादा मजा था। क्या आग? अरे भाई मैं जल जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अभी ये हाँ एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ खतरनाक बॉम्ब्स लगा देते हैं, फिर फ्रैंकलिन जैसे ही आएगा ना। अरे बाप रे गैस सिलेंडर, ये कहाँ से आए? ये मैंने लाइक मैंने हां आप ही कह रहे थे ना आग लगनी चाहिए। हाँ यार हाँ, बॉम्ब से अच्छी आग तो ये गैस सिलेंडर लगाएंगे फ्रैंकलिन में। नहीं नहीं प्लीज जला दिया रे। कोई है प्लीज गाइस बचाओ मुझे, कमेंट में फ्रैंकलिन ओपी लिखो, मेरी मदद करो, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। देखना गाइस मैं बचूंगा और मैं लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको डबल टॉर्चर करूंगा। मुझे सबसे पहले टोनी स्टार्क की वो गन छीननी होगी जिस गन से उसने मेरे सूट को रिपेयर किया, इतना बड़ा किया। मैं अपने सूट को और ताकतवर बना लूंगा, मुझे घर जानी होगी। अरे बाप रे गाइस, कम से कम 2-3 घंटे लगे मुझे अपने आप को
सवारने में, लेकिन फाइनली अब मैं ठीक हो चुका हूँ। दोस्तों सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये अवेंजर्स इस सूट के साथ और क्या प्लान कर रहे हैं। असल में मैं इस सूट को और बड़ा कर सकता हूँ। क्या फिर इसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम फ्रैंकलिन को इंटरनेशनल लेवल पर क्राउड चेक करेंगे। चारों तरफ से लोग देखने आएंगे इस गन की मदद से। ओह तो गाइस उसी गन से टोनी स्टार्क ने सूट को रिपेयर किया और बड़ा भी किया, और ये सूट को और बड़ा करके मुझे लिटरली में एक शो की तरह दुनिया को टॉर्चर करके दिखाएगा। नहीं मैं गलती से भी अपने आप को टॉर्चर नहीं करवा सकता, बहुत हो गया। गाइस मैं इस गन को चुरा रहा हूँ और मैं सीधा ऑल फादर गॉड के हेड में जा रहा हूँ, नो मैटर व्हाट कुछ भी हो जाए। अरे बाप रे, लेकिन ये फ्रैंकी भैया है क्या? वो तो मुझे नहीं पता, वो जला था शायद, आराम आराम कर रहा होगा। एक मिनट, ऐसा क्यों लगा जैसे मेरी गन यूज की? जल्दी चाहता हूँ ये मारा। ऑलराइट गाइस मैं फाइनली अपने प्यारे ऑल फादर गॉड के सूट के अंदर आ गया हूँ। इसको 3 महीने से मैंने बनाया था और टोनी स्टार्क को 3 सेकंड नहीं लगे इसको अपना बनाने में। नहीं दोस्तों ये सूट मेरा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर इन अवेंजर्स की बैंड तो बजा के रहूंगा। सबसे पहले इस सूट को मैं किसी हालत में बड़ा करके रहता हूँ। भागो भागो भागो, मैं इस सूट को इतना बड़ा कर लूंगा कि अवेंजर्स मेरे सामने चींटी बन जाएंगे, एकदम चींटी। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि उस सूट में से फ्रैंकलिन। अरे बाप रे, ये सूट खुद से खुद बड़ा क्यों रहा है? हेलो, कौन है इसके अंदर? मैं हूँ इसके अंदर। क्या फ्रैंकलिन? नहीं, फ्रैंकलिन ये क्या कर रहा है तू भाई? इस सूट के से बाहर निकल, अरे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, वो तुझे ही मार देगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा सूट है, वो मुझे कुछ नहीं कहने वाला। असल में चिंता तो तुम लोगों को अपनी करनी चाहिए। चल टोनी स्टार्क तुझे लेके चलता हूँ मैं। असल में एक भाई काम करते समुद्र में लेके चलते हैं। समुद्र में? अरे क्या करेगा फ्रैंकलिन, ये कहाँ ले आया तू मुझे? फ्रैंकलिन प्लीज, अरे क्या करने वाला है मेरे साथ तू? अभी बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले गाइज टोनी स्टार्क के हाथ में ना कुछ बॉम्ब्स देते हैं, तो बॉम्ब्स का ये डाला मैंने कोड और ये किया एक्टिवेट। क्या बॉम्ब से क्या करूंगा मैं? ये जो समुद्र में बॉम्ब क्यों फेंकवा रहा है? जिससे कि यहाँ पर आसपास के जितने भी जीव जंतु जानवर रहने वाले समुद्र के हैं वो आकर तुझे खा जाए। क्या फ्रैंकलिन तू पागल हो गया क्या? कौन है जो मेरे समुद्र में इतनी गंदगी फैला रहा है? ओ माय गॉड, मैं तो यहाँ पे जीव जंतुओं को बुला रहा था, लेकिन भाई यहाँ पर तो वाटर गॉड आ गया। वो वाटर गॉड जी मुझे माफ करना। अब चलो वाटर गॉड को थोड़ा सा परेशान कर लेते हैं फ्रैंकलिन के द्वारा, मेरा मतलब टोनी स्टार्क के द्वारा। गाइस देखिए, ये क्या कर रहा है तू इंसान? तेरे को मरना है क्या? नहीं मुझे नहीं मरना, पता नहीं है मेरे से खुद से हो रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज वाटर गॉड जी। ऑलराइट गाइस, अब टोनी स्टार्क को ना एक रैंप पे लेके चलते हैं और एक गाड़ी से ना टक्कर करवाएंगे खतरनाक वाली। नहीं फ्रैंकलिन मुझे छोड़ दे, आई एम सॉरी। अच्छा जब तुम लोग मुझे टॉर्चर कर रहे थे तब कहां गई थी तुम्हारी सॉरी? ऑलराइट गाइस, ये देखिए मेरी कार, और इस कार को कंट्रोल मैं कर रहा हूं ऑल फादर गॉड की मदद से। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। और ये सब क्या हो रहा है मेरे समुद्र में? अरे मार दिया, वाटर गॉड जी बचा लो, ये फ्रैंकलिन मुझे छोड़ेगा नहीं। पहले तो मैं तुझे बताता हूँ इंसान, तूने मुझ पे अटैक किया, मेरी शार्क्स इसको खा जाओ। वाह ओ भाई साहब, वाटर गॉड ने अपनी शार्क्स को ऑर्डर दिया है टोनी स्टार्क को मारने के लिए। फ्रैंकलिन प्लीज मुझे बचा ले, अगर मैं नहीं बचा तो टॉर्चर किसको करेगा? प्लीज फ्रैंकलिन बचा ले। देख रहे हो गाइस, अब टोनी स्टार्क खुद चाहता है कि मैं उसको टॉर्चर करूं क्योंकि मैं उसको बचा लूं। प्लीज फ्रैंकलिन इनसे बचा ले, चाहे कुछ भी कर ले। चलो एक काम करते हैं, अब टोनी स्टार्क को यहां से कहीं और टेलीपोर्ट करते हैं, पता चले भाई टोनी स्टार्क सच में खत्म हो जाए। अरे खा गए, पूरा खा गए मुझे, फ्रैंकलिन प्लीज बचा ले, बहुत बुरा मार रहा है। आज के बाद मेरे समुंदर में भटकना भी मत। ऑलराइट गाइस, टोनी स्टार्क कम से कम शार्क से तो बचकर आ गया। एक मिनट, लेकिन यार ये हल्क सिंचन पिंचन क्या कर रहे हैं? इनको देखते हैं गाइस, ये क्या स्विच? अरे बाप रे, हल्क कहां पर आ गया? ओ तो गाइस जैसे ही मैंने हल्क पर स्विच किया, हल्क एक ट्रेन की पटरी पे आ गया। आईडिया, मैंने यहां पर सिंचन को भी बुला लेता हूं। अरे बाप रे, ये कहां हुआ, मैं कहां गया? गाइस सिंचन इनफ नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे यहां पर ना स्पाइडरमैन को बुलाना चाहिए। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? ऑलराइट गाइस, अभी आप सोच रहे होंगे मैं इन सबको रेल की पटरी पर क्यों लेकर आया हूं। गैस करो गाइस, गैस करो, जल्दी से कमेंट में लिखो मैं क्या करवाने वाला इसके साथ। अरे बाप रे, हल्क को रेल की पटरी पर क्यों लाया गया है? क्योंकि अब सामने से गाइस आने वाली है खतरनाक ट्रेन जो इनके साथ करेगी टक्कर। अरे बाप रे महंगी भैया, ये तो इविल थॉमस है, ये मार देगा हमको। अरे हल्क को दबा दिया। ओ भाई साहब, देखिए गाइस क्या ही क्रैश हुआ है लिटरली में स्पाइडरमैन का, और सिंचन को देखिए। महंगी भैया सॉरी, प्लीज माफ कर दो। हल्क कहां गया भाई? गिरा भाई, हल्क भी पिट रहा है बहुत बुरा वाला। हल्क को मारा, पटक पटक के मारा इस ट्रेन ने, बैंड बजाइए हल्की। अरे कोई है, हल्क को बचा लो, हल्क को बहुत बुरा मारा है।
गाइस मजा ही आ गया। लेकिन यार ये टोनी स्टार्क क्या कर रहा है? अरे बहुत बुरा मारा है, चला भी नहीं जा रहा मुझसे। इस फ्रैंकलिन से मुझे ऑल फादर गॉड का सूट छीनना होगा, उसके बाद मैं इसको सीधा जान से मार दूंगा। टॉर्चर तो दूर की बात है। अच्छा, मुझे जान से मारने का प्लान बना रहा है टोनी स्टार्क। चलो गाइस एक काम करते हैं, टोनी स्टार्क के साथ और मजे लेते हैं। नहीं, ये कहां पर ले आया तू फ्रैंकलिन? तो मुझे इसको भी गाइस मैं लेकर आ गया हूं रेल की पटरी के पास। एक मिनट गाइस, ये टोनी स्टार्क कुछ ज्यादा घायल हो गया। अरे बाप रे, मेरी हालत खराब हो गई है। तो अरे फ्रैंकलिन प्लीज मुझे माफ कर दे, तू रेल की पटरी के पास क्यों लेकर आया? क्योंकि सामने से आने वाली है भाई ट्रेन। नहीं 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 फ्रैंकलिन, तू ऐसा नहीं कर सकता। अरे मैं मर जाऊंगा फ्रैंकलिन, यहां पर लिटरली मैं वो ट्रेन मुझे कुचल के रख देगी। तू भी तो मुझे मारने का प्लान बना रहा था, उसका क्या? अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था फ्रैंकलिन, मैं सच बोल रहा हूं। बच्चों सॉरी गाइस, प्लीज कमेंट में सॉरी फ्रैंकलिन लिखो जिससे कि ये मुझे छोड़ दे। नहीं गाइस, ऐसा कुछ मत करना। आपने देखा था ना ये मुझे कैसे टॉर्चर कर रहा था। ये ले भाई। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, मेरी बैंड बजा दी तूने बहुत बुरी वाली। फ्रैंकलिन आज के बाद तुझे टॉर्चर नहीं करूंगा। तूने सिर्फ टॉर्चर ही नहीं किया मुझे, मेरे सूट का मजाक उड़ाया, उसको ब्लास्ट किया और उसके बाद मुझे टॉर्चर भी किया। ठीक है फ्रैंकलिन सॉरी, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। अरे कम से कम मुझे एक व्हील चेयर ही दे दे फ्रैंकलिन प्लीज। ओ तो चलो गाइस, टोनी स्टार्क से चला नहीं जा रहा, इसको ना एक व्हील चेयर दे देते हैं। अरे वाह फ्रैंकलिन, थैंक यू सो मच भाई, तूने मुझे व्हील चेयर दे दी। अभी तो टोनी स्टार्क बेटा ये शुरुआत है, तूने मुझे लिटरली में जान से मारने का प्लान बनाया था, तो मैं भी तुझे छोड़ने नहीं वाला हूं। चलो गाइस, अब टोनी स्टार्क को व्हील चेयर पर बैठने का इंतजार करने देते हैं। अरे मैं तो भाग लेता हूं यहां से, ये फ्रैंकलिन पागल हो गया है, मुझे मार कर छोड़ेगा, जल्दी जाता हूं यहां से। अरे बाप रे, पूरी स्पीड में निकलता हूं ये व्हील चेयर। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, एक ना एक दिन बदला मैं तुझसे लेकर आऊंगा। अरे बाप रे, हल्की भी बैंड बजाती। ओ तो गाइस, अभी भी टोनी स्टार्क मुझसे बदला लेना चाहता है, इसको लग रहा है कि मैं इसको सुन नहीं सकता। हल्क, जल्दी से टोनी स्टार्क की व्हील चेयर पे बॉम्ब लगा। क्या हल्क ऐसा कुछ नहीं करेगा, हल्क पागल थोड़ी है जो अपने दोस्त टोनी स्टार्क को मारेगा। अच्छा तो अगर तू टोनी स्टार्क की व्हील चेयर पे बॉम्ब नहीं लगाएगा तो मैं तुझे आसमान में उठा के पटक दूंगा। क्या फ्रैंकलिन, ये क्या कह रहा है तू, मेरी चेयर पे बॉम्ब क्यों लगवाना चाह रहा है? अरे बाप रे, अच्छा ठीक है, अरे ठीक है, मैं हल्क करेगा काम, हल्क यहां पर उसकी चेयर पे बॉम्ब लगाएगा। देखा गाइस, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मैं यहां पर हल्क को इतना बुरा घुमा रहा हूं जिससे कि आगे से मेरी बात टाले ना। अरे बाप रे, हल्क को कैसा बुरा हवा में घुमाया है। ऑल राइट गाइस, अब देखते हैं कि असल में हल्क यहां पर टोनी स्टार्क की व्हील चेयर पे सच में बॉम्ब लगाता है या नहीं, या फिर इसी तरह से मुझसे पिटता रहता है। अरे बाप रे, हल्क को पीटा, हल्क को बुरा पीटा, हल्क यहां पर अब और नहीं पीटेगा, कुछ भी हो जाए हल्क अब किसी से अपने आप को टॉर्चर नहीं होने देगा। अब देखते हैं गाइस, यहां पर हल्क क्या करने जा रहा है। शुक्र है कम से कम मेरा पीछा तो छूटा। अच्छा जी, टोनी स्टार्क बोल रहा है उसका पीछा छूटा। देखिए गाइस, यहां पे हल्क बॉम्ब लगा रहा है। हल्क तुझे शर्म नहीं आई, तू अपने दोस्त को धोखा दे रहा है? हल्क यहां पर खुद को बचाने के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। अच्छा ऐसी बात है, तो अभी बताता हूं इस हल्क को। क्या हल्क को क्या बताएगा? अरे हल्क से जिन्होंने जो कहा था हल्क ने वही तो किया। लेकिन कभी भी हमें दुश्मनी या दोस्ती में किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर अपनों का तो बिल्कुल नहीं। अब चलो गाइस, अब हल्क को एक सबक देना चाहिए, ये भेजते हैं इसको वापस से रेल की पटरी पे। नहीं हल्क को कहीं मत भेज, प्लीज हल्क को माफ कर दे। अरे हल्क किसी को धोखा नहीं देगा, हल्क तो खुद को भी धोखा नहीं देगा। ऑलराइट गाइस, देखिए हमने वापस से इसको रेल की पटरी पे भेज दिया है और वापस से ट्रेन आने का इंतजार करते हैं। देखते हैं इस बार इसका ट्रेन क्या करने वाली है। नहीं हल्क को प्लीज मत मरवाना। ऑलराइट गाइस, यहां पर देखते हैं अब हल्क के साथ क्या होने वाला है। नहीं हल्क की बैंड बच जाएगी। अरे हल्क को मारा, बुरी तरह से मारा। ओ भाई साहब, इस बार तो ट्रेन ने खूब पटक के मारा यार हल्क को, क्या ही पटका है यार। टोनी स्टार्क कहां पर गया? चलो अरे मार दिया, बर्बाद कर दिया, मैं तो सोच रहा था सुकून है, लेकिन मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी इस फ्रैंकलिन ने। फ्रैंकलिन मजे छोड़ दे। गाइस देखिए, टोनी स्टार्क की क्या ही बैंड बज रही है यार। गाइस कम से कम 50 बॉम्ब एक साथ फटे होंगे तब जाकर इसकी इतनी बुरी बैंड बज रही है। अरे बाप रे, नहीं फ्रैंकलिन यार क्या कर रहा है, आज के बाद लिटरली मैं टॉर्चर नहीं करूंगा। एक मिनट गाइस, ये कौन सा बटन है? ये तो फायर बटन है, चलो इसमें आग लगाते हैं। अरे बाप रे, तू ही मुझमें आग लगाना चाह रहा था ना। बोल रहा था गाइस, आपको याद होगा स्टार्क कैसे बोल रहा था कि मुझमें आग नहीं लगी, इन्होंने गैस सिलेंडर भी फाड़े थे। फ्रैंकलिन प्लीज सॉरी। ऑलराइट गाइस, अब आप देखने वाले हैं खतरनाक चमत्कार। अब मैं अपने सूट को बनाने जा रहा हूं 3-edit। बिल्कुल गाइस, क्योंकि यहां पर एक ऑप्शन है, अगर मैं 3 बार इन ग्रीन बटन को दबाऊंगा तो मेरा सूट 3-edit बन जाएगा। ओ माय गॉड गाइस, क्या बात है। दोस्तों आज के लिए टॉर्चर बहुत हो गया, बाकी आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है ना वो भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू सो मच।